ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें महिलाएं अपना कीमती समय निकाल कर जरूर पढ़ें। नंबर एक, अधिक आयु के या बूढ़े हो जाने पर दूध जल्दी हजम नहीं होता, इसलिए दूध के बजाय दही का सेवन करना चाहिए, ये शीघ्र ही पच जाएगा और त्वचा स्वस्थ हो जाएगी। नंबर दो, 4 से 5 अंजीर धोकर उबालें, हल्का गर्म पानी रहने पर उस पानी को छानकर प्रातः एवं सायंकाल पीने से फेफड़ों के रोगों में आराम मिलता है। नंबर 3, पीलिया के रोगियों के लिए खरबूजा उपयोगी है, इससे शरीर का पित्त प्रकोप मूत्र द्वारा निकल जाता है। नंबर 4, लहसुन और अदरक का रस बराबर मात्रा में यानी संभाग में लगा लेने पर और बालों की जगह यानी गंजापन है तो गंजापन दूर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बाल निकल आएंगे। नंबर 5, अदरक का किसी भी रूप में प्रयोग करते रहने से भोजन सरलता पूर्वक पच जाता है तथा कब्ज भी दूर होता है। नंबर 6, किसी बीमारी के कारण अशक्त हो जाने पर यानी शक्तिहीन हो जाने पर प्याज को घी में भूनकर दूध में उबालकर मिश्री के साथ खाएं, शीघ्र ही शक्तिशाली हो जाएंगे यानी कि कमजोरी दूर हो जाएगी। नंबर 7, शहतूत के उपयोग से बुखार ज्वर में होने वाली पेट की जलन और प्यास शांत होती है यानी सुकून मिलता है, ठंडा होता है पेट। नंबर 8, श्वेत प्रदर यानी लिकोरिया, लिकोरिया में सिंघाड़े के आटे का हलवा खाने से गर्भाशय को ताकत मिलती है और बल होता है यानी कि ठीक होने लगता है। नंबर 9, चेचक के दाने अंदर दबे हुए हैं, बाहर नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए किशमिश या मुनक्का दिन में 2 से 3 बार 4-4 दाने खिलाने से बच्चों को चेचक के दाने आसानी से बाहर निकल आते हैं, इससे उनकी बेचैनी भी दूर होती है। नंबर 10, अमरूद खाने या इसकी पत्तियों का रस पीने से भांग का नशा तत्काल उतर जाता है। नंबर 11, अंगूर के नियमित इस्तेमाल से कब्ज प्राकृतिक रूप से खत्म हो जाता है। नंबर 12, अनन्नास और दूध का सेवन करने से बढ़ा हुआ जिगर दूर होता है। नंबर 13, प्याज नींबू दोनों का रस बराबर लेके डेली सर के गंजे स्थान पर लगाने से पुनः बाल निकलने लगते हैं। नंबर 14, काले तिल त्रिफला भांगरे का चूर्ण और ज्योतिषमती का समान भाग लेकर कूट पीस का चूड़ बनाएं, फिर इस चूड़ के बराबर से पिसी हुई मिश्री मिलाएं, चूड़ की 5 ग्राम मात्रा सुबह शाम जल के साथ सेवन करने से गंजापन दूर हो जाता है। नंबर 15, रात में मेहंदी स्वच्छ पानी में भिगोकर तथा सुबह छान कर उसका पानी पीने से एलर्जी ठीक होती है। नंबर 16, जिगर की सूजन समाप्त करने में खरबूजा सहायक होता है। नंबर 17, ताज़ा अदरक के रस में काला नमक मिलाकर भोजन से पहले और भोजन के बाद पीने से अपच दूर होता है। जिन लोगों को खाना खाने के बाद पेट में गैस बनती हो उन्हें भी इससे अधिक लाभ होगा। नंबर 18, अखरोट का तेल दूध में डालकर लेने से पेट स्वाभाविक रूप से साफ होने लगता है। अखरोट बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। नंबर 19, अखरोट को कूट पीस कर चूरन बना लें, सुबह शाम 1-1 चम्मच चूरन ठंडे पानी से खाते रहने से पेशाब के रास्ते से पथरी निकल जाती है। नंबर 20, बहुत सी स्त्रियों को बार बार मिसकैरेज यानी गर्भपात हो जाता है, इससे बचने के लिए उन्हें पेठा खाना चाहिए। नंबर 21, यदि स्त्रियां पेठे के साथ कच्चे नारियल की 1-2 फांक प्रतिदिन खाती रहें तो बच्चा स्वस्थ पैदा होता है, साथ ही बच्चे का रंग
साफ होता है, गोरा होता है और आकर्षक भी होता है। नंबर 22, बुखार के दिनों में अधिक प्यास लगने पर आलू बुखारा चूसते रहने से प्यास कम लगती है। नंबर 23, भुने हुए चने का सत्तू खाने से उल्टियां बंद हो जाती हैं। नंबर 24, दूध को फाड़कर छाने और उसके पानी में मिश्री डालकर थोड़ा थोड़ा पिलाएं, उल्टी रुक जाएगी। नंबर 25, आलू बुखारा मुंह में डालकर चूसने से उल्टियां रुक जाती हैं। आलू बुखारा टेस्टी भी होता है और अच्छा भी लगता है और ये फायदेमंद भी होता है। नंबर 26, पपीते को जल या गुलाब जल में घिस कर चाटने से हैजा खत्म हो जाता है। अगर ज़्यादा दस्तारा हो यानी बच्चों को भी ये आप चटा सकते हैं। नंबर 27, पेट में दर्द होने और जी मिचलाने पर तुलसी एवं अदरक का रस मिलाकर एक एक चम्मच दो दो घंटे बाद दिन में 3-4 बार दें। इस रस को हल्का गुनगुना करके लेने से तत्काल लाभ होता है। नंबर 28, करेले के रस में सरसों या अरंड का तेल मिलाकर पीने से हैजा ठीक हो जाता है। नंबर 29, पुदीना हैजे की रामबाण औषधि है। ऐसा होने पर पुदीने का अर्क रोगी को तत्काल देना चाहिए। नंबर 30, कब्ज होने पर गुड़ के साथ गिलोय का चूर्ण मिलाकर खाने से लाभ होता है। गिलोय बनिया की दुकान पे मिल जाएगा। नंबर 31, गुड़ के साथ पिसी हुई लाल मिर्च खाने से पेट दर्द में आराम मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें, ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल वाले ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों पर गौर कर रहे होंगे। तो हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल वाले ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए। अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और लास्ट तक बने रहने का आपका बहुत 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 शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।